दोस्तों, फैंटेसी मूवीज देखने का अपना एक अलग मजा है, क्योंकि इन मूवीज में हमें अनदर वर्ल्ड, मैजिकल वर्ल्ड, डिफरेंट स्टोरीज, मिस्ट्री, सस्पेंस और साइंस फिक्शन एडवेंचर जैसी चीजों को दिखाया जाता है, जो कि हम मूवीज फैंस को बहुत ही पसंद आता है। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी टॉप 10 फैंटेसी एडवेंचर टाइप की मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हिंदी में अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, नंबर 10 पर मूवी आती है द गोल्डन कंपास। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2007 में। फिल्म की स्टोरी शुरू होती है लायरा से, जो कि एक भालू के साथ निकल जाती है एडवेंचर पर, और वो बचाना चाहती है अपने दोस्त को और कुछ बच्चों को। तो क्या लायरा बचा पाती है उन सभी को, वो जानने के लिए इस फिल्म को देखें। फिल्म की कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे डेकोटा ब्लू रिचर्ड, डेनियल क्रेग, निकोल किडमैन और ईवा ग्रीन। नंबर 9 पर मूवी आती है वो पैंस लेबरिंथ। फिल्म रिलीज हुई थी 2006 में। फिल्म की स्टोरी शुरू होती है ओफेलिया से, जो कि अपने माँ के साथ सौतेले पिता के घर पर जाती हैं, और उस घर में ओफेलिया को बहुत सी रहस्यमय चीजें दिखाई देती हैं, और वे सभी चीजें फैंटेसी वर्ल्ड से जुड़ी होती हैं। फिल्म की कास्ट में है इवाना बेक्यूरो। नंबर 8 पर मूवी आती है वो जिम बॉटम लुक द इंजन ड्राइवर। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2018 में। फिल्म की स्टोरी शुरू होती है जिम से, जो कि एक अनाथ लड़का है। वो अपने दोस्त लुकास के साथ एक एडवेंचर पर निकल जाता है जहाँ से वो आया था, और उस एडवेंचर में उन्हें फैंटेसी वर्ल्ड के बारे में पता चलता है, और वे रास्ते में समुद्री डाकू और मॉन्स्टर से भी लड़ते हैं। यही इस फिल्म में दिखाए गए हैं। फिल्म की कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे हैनिंग बैम और सोमन गॉर्डन। नंबर 7 पर मूवी आती है वो जैक द जाइंट स्लेयर। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2013 में। फिल्म की स्टोरी शुरू होती है जैक से, जो जाता है मार्केट में घोड़े बेचने, जहाँ मिलती है उसे प्रिंसेस इजाबेल। तो वो रात को घर आता है घोड़े के बदले कुछ बीन्स लेकर, जो होते हैं मैजिक बीन्स, लेकिन उसे ये पता नहीं होता है। तो अब आप मूवी में देखिएगा कि क्या कर सकते हैं मैजिक बीन्स। फिल्म की कास्ट में है निकोलस होल्ट और इलेनोर टॉमिनसन। नंबर 6 पर मूवी आती है वो प्रिंस ऑफ पर्सिया द सैंड्स ऑफ टाइम। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2010 में। फिल्म की स्टोरी शुरू होती है दास्तान से, जिनके किंग को जहर देकर मार दिया जाता है, और वो अपने राजा के खूनी को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं एक सफर पर। ये एक अच्छी फैंटेसी एडवेंचर मूवी है, इसलिए आप इस फिल्म को जरूर देखें। फिल्म की कास्ट में है जैक जिनेहॉल। नंबर 5 पर मूवी आती है वो है इंकहार्ट। फिल्म को रिलीज किया गया था 2008 में। इस फिल्म में एक बुक के बारे में बताया गया है जिसका नाम इंकहार्ट होता है, और अगर उस बुक में से कुछ भी पढ़ा जाता है तो वो सब सच हो जाता है। ये इस फिल्म में दिखाए गए हैं। फिल्म की कास्ट में है ब्रेंडन फ्रेजर। नंबर 4 पर मूवी आती है वो है जर्नी टू द मिस्ट्रेस आइलैंड। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2012 में। इस फिल्म में माइकल केन यानी कि अलेक्जेंडर को एक मिस्ट्रियस आइलैंड का पता चलता है, तो वो अपने पोते जोस को एक कोडवर्ड में मैसेज भेजते हैं। तो वो उस मिस्ट्रियस आइलैंड को देखने के लिए जोस अपने सौतेले पिता रॉक यानी कि हैंक को ले जाता है। तो वो उस आइलैंड पर कैसे जाते हैं और आगे क्या होता है, वो जानने के लिए इस फिल्म को देखें। नंबर 3 पर मूवी आती है वो एलाइस थ्रू द लुकिंग ग्लास। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2016 में। इस फिल्म में एलाइस अपने घर में एक जादुई शीशे के आर पार चली जाती हैं वंडरलैंड में, जहां वो बचाती है वंडरलैंड को रेड क्वीन से। तो क्या एलाइस बचा पाती है वंडरलैंड को रेड क्वीन से या नहीं, वो जानने के लिए इस फिल्म को देखें। फिल्म की कास्ट में मिया वासिको वास्का, जॉनी डेप, हेलिना बोनम कार्टर और एनी हैथवे। नंबर 2 पर मूवी आती है वो है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग। फिल्म को रिलीज किया गया था 2001 में। इस फिल्म में हॉबिट यानी कि फ्रोडो एक जादुई रिंग को खत्म करने के लिए माउंट डोम पर जाना चाहता है, तो वो निकल जाता है एक एडवेंचर पर। तो उस सफर के बीच में बुरी ताकतें उस जादुई रिंग को पाने की कोशिश करती हैं, तो फ्रोडो उन बुरी ताकतों से लड़ता है। ये इस फिल्म में दिखाए गए हैं। इस फिल्म को इंडिया में 15 मार्च 2002 में रिलीज किया गया था। फिल्म की कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे एलिजा वुड। तो दोस्तों, नंबर 1 पर मूवी आती है वो है हैरी पॉटर फिलोसफियर स्टोन। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2001 में। इस फिल्म में हैरी पॉटर हॉगवार्ड्स यानी कि जादुई स्कूल में जाता है और एक अच्छा जादूगर बनता है, और दुनिया को खत्म करने वाले बुरे जादूगर वोल्डेमॉर्ट को हराता है, जो कि पारस पत्र को पाकर अमर होना चाहता है। ये इस फिल्म में दिखाए गए हैं। ये एक अच्छी फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है, इसलिए आप इस फिल्म को जरूर देखें। इस फिल्म को इंडिया में 12 अप्रैल 2002 को रिलीज किया गया था। फिल्म की कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे एम्मा वॉटसन, डेनियल रेडक्लिफ और रूपर्ट ग्रिंट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।